हाय दोस्तों, फ्रीडिस भाई का सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। दोस्तों आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ डीडी फ्रीडिस का सेटअप बॉक्स, जो कि मैं आपको चला के भी दिखाने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ कि आप उसको किस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। MPG4 HD सेटअप बॉक्स है, बहुत ही प्यारा सेटअप बॉक्स है। तो उसके साथ में क्या मिलता है, सबसे पहले तो मैं वो दिखा देता हूँ। ये रिमोट मिलता है, आप देख सकते हैं उसके साथ में, जो कि अच्छा रिमोट है, जैसा कि 8007 में आता था उसी टाइप के मॉडल का ये रिमोट है। और इसके साथ में एक मिलता है आपको ये AV केबल, देख सकते हैं आप, ये इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। और एक मिलता है आपको ये पावर एडाप्टर, ये चीज़ें इसके साथ में आपको मिल जाती हैं दोस्तों। तो सेटअप बॉक्स मैं आपको दिखा देता हूँ, आप बहुत उतावले हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि भाई देखो सेटअप बॉक्स दिखाओ सबसे पहले, किस टाइप के बॉक्स में आता है, क्या है। तो पहले मैं आपको सेटअप बॉक्स दिखा देता हूँ। सेटअप बॉक्स कुछ इस तरीके की पैकिंग में आता है, तो इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ और बाहर निकाल के मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये सेटअप बॉक्स कितना जानदार है, कितना शानदार है। HD सेटअप बॉक्स है, DD फ्रीडिस पे लगाइए आप इसको और आनंद लीजिए चैनल्स का। DD फ्रीडिस के HD चैनल भी ये आपको चला के दिखाएगा। मैं इसको TV पे लगा के कनेक्ट करके आपको दिखाने ही वाला हूँ दोस्तों। तो इसका लुक और मेनू तो देख सकते हैं आप, ये देखिए लुक कुछ इस तरीके का है इसका। देखिए बड़ा ही प्यारा सेटअप बॉक्स है, HD सेटअप बॉक्स है, मेटल बॉडी का सेटअप बॉक्स है। इसमें सामने आपको एक USB पोर्ट मिल जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे इसके बटन्स मिल जाते हैं जो कि मेनू का है, चैनल प्लस माइनस, वॉल्यूम प्लस माइनस और ओके के बटन है, ये आपको इसमें आगे मिल जाते हैं दोस्तों। पीछे की बात करेंगे तो पीछे आप देखेंगे यहाँ LNB का आपका जो केबल आता है वो यहाँ पे लगेगा, जो आपका AD सेंटिनस आएगा वो यहाँ पे लगेगा, और यहाँ पे आपका एक USB पोर्ट पीछे भी दिया हुआ है, और यहाँ पे आप देखेंगे ये एक HDMI केबल के लिए दिया है, और ये AV केबल, और ये दिया है पावर एडाप्टर के लिए, जो कि पावर एडाप्टर मैंने अभी आपको दिखाया है, तो वो पावर एडाप्टर आपका यहाँ लगेगा। कलर कुछ इस तरीके का है, ये देखिए मेटल बॉडी है, वेंटिलेशन दिया हुआ है यहाँ पे, इधर यहाँ से इस तरीके का है और यहाँ पे इस तरीके का है। तो दोस्तों आइए चलते हैं टीवी पर लगा के इसको MPG4 HD बॉक्स को देख लेते हैं कि किस तरीके से इसमें मेनू आता है और किस तरीके का लुक है। बहुत ही प्यारा सेटअप बॉक्स है दोस्तों। मैं फिर बोलता हूँ, अगर आपको ये सेटअप बॉक्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर पर, जो व्हाट्सअप नंबर आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। सस्ता, अच्छा, टिकाऊ और बढ़िया सेटअप बॉक्स है, लॉन्ग लाइफ सेटअप बॉक्स है, लंबा चलने वाला सेटअप बॉक्स है दोस्तों। तो आइए चलते हैं टीवी पर चल के देख लेते हैं कि हम किस तरीके से इसका लुक और मेनू देख पाते हैं। हाय दोस्तों, तो हम आ चुके हैं टीवी पे, और टीवी पे आने के बाद मैं आपको बता दूंगा कुछ इस तरीके का इसका मेनू आता है। यहाँ पे आपको मिल जाता है फैक्ट्री सेटिंग, मिल जाता है आपको इन्फॉर्मेशन, मिल जाता है इन्फॉर्मेशन। मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरीके का इसका। उसके बाद में अगर हम नीचे आएंगे, फैक्ट्री सेटिंग और ओथेलो गेम मिल जाता है, सुडोकू मिल जाता है, अपग्रेड बाय RS232 सॉफ्टवेयर अपग्रेडर, अपग्रेड बाय नेट और नेटवर्क यहाँ पे मिल जाता है, जिसमें मैंने वाईफाई ऑलरेडी कनेक्ट कर लिया है। नेटवर्क सेटिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वाईफाई जो है ये सेलेक्ट किया हुआ है, आपके सामने है। इसमें एक नीचे सेटिंग मिल जाती है, तो सेटिंग में देखेंगे मेरे वाईफाई के जो सिग्नल हैं वो कितने आ रहे हैं, ये वो भी दिखाता है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं इसको बैक कर लेता हूँ, और बैक करने के बाद में यहाँ देखेंगे नेटवर्क एप्लीकेशन है, जिसके अंदर हमको यूट्यूब, पिंग, वीदर मिल जाता है दोस्तों। YouTube भी हम चला के देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम बाकी सेटिंग इसकी देख लेते हैं। उसके बाद में हम चले जाते हैं इसमें नीचे, यहाँ देखेंगे यहाँ पे PVR वीडियो म्यूजिक इमेज, यानी कि आप पेन ड्राइव लगा के भी अपने वीडियोस, फोटोज वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में चैनल एडिट का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे आपको TV चैनल लिस्ट मिल जाती है, डिलीट ऑल मिल जाता है, यानी कि यहाँ से आप अपने सारे चैनल जो है वो डिलीट कर सकते हैं और TV चैनल लिस्ट देख सकते हैं। उसके बाद में हमको यहाँ पे इंस्टॉलेशन मिल जाता है, जहाँ पे हमको DVBS इंस्टॉलेशन मिलता है। इसको अगर हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे एंटीना कनेक्शन, सैटेलाइट लिस्ट, एंटीना सेटअप सिंगल, सैटेलाइट सर्च, मल्टी सैटेलाइट सर्च और TP लिस्ट मिलता है। तो जब भी हम किसी सैटेलाइट को सर्च करने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले हमको जाना होगा सैटेलाइट लिस्ट में। सैटेलाइट लिस्ट में जाने के बाद हमको यहाँ पे उस सैटेलाइट के ऊपर यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करना है। आप देखेंगे इसमें दिल का या पान का जो भी बोलेंगे आप, वो निशान बनता है, उसको हमको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हमको जाना है यहाँ पे एंटीना सेटअप में, और एंटीना सेटअप में जाने के बाद में जो भी हमारा LNB या जो भी हमने डिस्क्यूसी वगैरह लगाया है वो हमको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमको एग्जिट करने के बाद में सिंगल सैटेलाइट सर्च पे जाना है, और यहाँ पे TV चैनल करना है या फिर ऑल करना है या रेडियो करना है, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है, और ऑटो स्कैन यहाँ पे रहना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो स्कैन, और उसके बाद में हमको कर देना है यहाँ पे सर्च, तो हमारे चैनल जो है स्कैन होने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। तो उसके बाद में हम चले जाते हैं नीचे दूसरे ऑप्शन पे, जो है हमारा सेटिंग, सिस्टम सेटअप।
सिस्टम सेटअप में हमको यहाँ को लैंग्वेज, टीवी सिस्टम, डिस्प्ले सेटिंग, लोकल टाइम सेटिंग, टाइमर सेटिंग, पेरेंटल लॉक, ओएसडी सेटिंग, फेवरेट, ऑडियो डिस्क्रिप्शन सेटिंग, मल्टी व्यू सेटिंग और अदर्स यहाँ पे हमको मिल जाते हैं, जहाँ पे हमको बीप वगैरह मिल जाती है अगर हम चैनल वगैरह अपना जो भी सैटेलाइट वगैरह डिश एंटीना वगैरह अगर हम सेट करते हैं तो यहाँ पे हमको बीपर का ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे हम देखेंगे दूसरा जो हमने आपको दिखाया टाइमर सेटिंग मिलता है, लोकल टाइम, डिस्प्ले सेटिंग, टीवी सिस्टम मिल जाता है हमको जिसका रेजोल्यूशन आपको फुल एचडी दोस्तों यहाँ पे बताता है दोस्तों। उसके बाद में हम चले जाते हैं नीचे, आप देखेंगे यहाँ पे एलपीसीएम आउट है, इसको आप बीएस आउट भी कर सकते हैं। उसके बाद हम डिस्प्ले सेटिंग में जाते हैं जिसके डिस्प्ले है कंट्रास्ट, ब्राइटनेस, सेचुरेशन, ह्यू और शार्पनेस, आप यहाँ से टीवी की एडजस्ट कर सकते हैं इस सेटअप बॉक्स से। उसके बाद में नीचे देखेंगे लोकल टाइम सेटिंग है, जो भी इंडिया का टाइम है वो आप यहाँ पे इंडिया वगैरह जो भी है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में उसका जीएमटी लिखने के बाद में आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओएसडी सेटिंग है तो इस तरीके से फेवरेट जो भी आपने ग्रुप बनाया वो ग्रुप भी आप इसमें बना सकते हैं। चैनल्स वगैरह का मल्टी व्यू सेटिंग में आप बहुत सारी 3x3 या 4x1 में पिक्चर्स वगैरह इसमें देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हम नेक्स्ट चले जाते हैं जो कि हमने पहले बताया था आपको फैक्ट्री सेटिंग। अगर आपको फैक्ट्री सेटिंग करनी है यानी कि सारे चैनल वगैरह सब डिलीट करना है जैसा सेटअप बॉक्स कंपनी से आया था अगर वैसा ही करना है तो आपको फैक्ट्री सेटिंग एक बार यस करके डिफॉल्ट ओके कर देना है। उसके बाद चलो गेम मैंने आपको बताया था तो यहाँ पे आप गेम खेल सकते हैं दोस्तों। उसके बाद सुडोको गेम है, सुडोको गेम भी खेल सकते हैं आप, इसको अलग अलग गेम है दोस्तों। इसमें आप RS-232 केबल से इसको अपग्रेड भी कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर अपग्रेड बाय OTA भी कर सकते हैं, पेन ड्राइव भी लगा के कर सकते हैं जो कि अपग्रेड बाय USB डिवाइस सेफली भी इसमें दिया कि आप अपनी पेन ड्राइव अगर निकालना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप सेटअप बॉक्स से उसको इजेक्ट करके निकाल सकते हैं। अपग्रेड बाय नेट है, ये तो नहीं करना चाहिए ऑनलाइन वरना तो आपका जो सेटअप बॉक्स है वो भी डेड हो सकता है और रिमोट भी चेंज हो सकता है दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पे नेटवर्क दिया है, नीचे नेटवर्क में आप देखेंगे यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग है जहाँ पे मैंने अपना वाईफाई कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे GPRS का ऑप्शन भी है यानी कि आप GPRS के थ्रू भी इसको चला सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे हमको और क्या क्या ऑप्शन मिल जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे वाईफाई का ऑप्शन मिल जाता है जो कि हमारा कनेक्ट हो चुका है क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी कनेक्ट किया है। सेटिंग में देखेंगे इतने सिग्नल आ रहे हैं जो कि मैंने दिखाया था। उसके नीचे नेटवर्क एप्लीकेशन देख लेते हैं जहाँ पे हमको वीदर, पिंग, यूट्यूब मिल जाता है। तो सबसे पहले हम वीदर देख लेते हैं, हमारा वीदर यहाँ पे क्या दिखा रहा है दोस्तों। देखिए वीदर यहाँ पे हमारा आ चुका है। उसके बाद में हम चले जाते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे यहाँ पे पिंग है यानी कि आपके जो वाईफाई आ रहा है वो आपका इंटरनेट जो है वो बताएगा यहाँ पे कितने बाइट्स आपको मिल रहे हैं। एग्जिट करने के बाद में हम यहाँ पे देखेंगे यूट्यूब मिलता है तो यूट्यूब ओपन करके देख लेते हैं हमारी फाइल्स ओपन होती हैं कि नहीं होती हैं, सक्सेस हो चुका है ओपन कैटेगरी। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा यूट्यूब भी इसमें ओपन हो चुका है यानी कि यूट्यूब भी आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके का ये DD फ्री डिस्क का MPG4 HD सेटअप बॉक्स है जो कि है GRTEC Ali। तो दोस्तों ये सेटअप बॉक्स खरीदने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर पे, जो व्हाट्सअप नंबर आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। लेकिन बॉक्स के मॉडल का नाम अगर आप बोलेंगे उसमें कि आपको कौन सा चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा GRTEC Ali वाला बॉक्स हमको चाहिए, GRTEC Ali बॉक्स हमको चाहिए। तो दोस्तों GRTEC Ali MPG4 HD सेटअप बॉक्स है ये। तो अगर आपको सेटअप बॉक्स चाहिए जैसा कि मैंने बताया आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए कि हमको GRTEC Ali बॉक्स चाहिए। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर डिस भाई का जय हिंद।